प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2022 सीजन का आगाज 26 मार्च से होने वाला है। 2 महीने चलने वाले इस टूर्नामेंट का फाइनल 29 मई को खेला जाएगा। इसको लेकर सभी 10 टीमों ने अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। इस बीच स्टार लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल की नई जर्सी भी तैयार हो गई है। चहल की जर्सी के नंबर का खुलासा भी हो गया है। दरअसल चहल इस बार राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। उन्हें इस बार मेगा ऑक्शन में राजस्थान टीम ने 6,50,00,000 रुपए में खरीदा है। चहल पिछले सीजन में विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि आरसीबी के लिए खेलते हुए नजर आए थे। दरअसल राजस्थान फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था, इसको चहल ने रिट्वीट किया। टीम के मैनेजर रोमी बिंदर वीडियो में चहल को फोन लगाते हैं और टीम में उनका स्वागत करते हैं। साथ ही कहते हैं कि वो जल्द ही चहल को पिंक जर्सी में देखना चाहते हैं। मुबारक हो, वेलकम टू रॉयल्स। बहुत बहुत पूरा फर्स्ट फैमिली। यस, वेरी हैप्पी बॉस। सेम है। और हाँ बिल्कुल, और वी लुक फॉर टू सीइंग यू इन पिंक। Yeah. And my jersey number is 3. Jersey number is 3. Thank you भैया, thank you. चल, take care, bye, see you soon. Thank you. मिलता हूँ आपको. Okay boss. परेशान करता हूँ अब आपको. बिल्कुल बिल्कुल. Always. Bye bye. Thank you. Bye. भारत के स्पिनर युजवेंद्र चहल भी 2 करोड़ के बेस प्राइस के साथ ऑक्शन पे उतरे थे। दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स श्री चहल को खरीदने के लिए जंग हुई। अंत में राजस्थान रॉयल्स ने 6,50,00,000 रुपए में इस स्पिनर को हासिल करने में कामयाब हुई। बात कर रहे चहल के आईपीएल करियर की, तो चहल ने साल 2011 से आईपीएल में कदम रखा है। उनकी सबसे पहली टीम मुंबई इंडियंस रही थी। इसके बाद वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलने लगे। मौजूदा सीजन के लिए आरसीबी टीम ने चहल को रिटेन नहीं किया था। आईपीएल में अब वो तीसरी टीम से खेलेंगे। युजवेंद्र चहल ने आईपीएल में अब तक 114 मैच खेले, जिसमें 22.28 की औसत से 139 विकेट हासिल किए। इस दौरान उनका इकोनॉमी रेट 7.59 का रहा।